सो हेलो गाइस, वेलकम ऑन इन्फॉर्मेशन कलेक्शन चैनल। मैं राकेश कुमार। तो जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं इस आर्टिकल में, इस न्यूज़ कटिंग में लिखा हुआ है, जियो कंपनी के वादा खिलाफी के विरोध में केबल ऑपरेटरों ने नीलम पार्क दिया सांकेतिक धरना। बेसिकली हुआ दोस्तों यूँ है कि मध्य प्रदेश के जितने भी ऑपरेटर संघ हैं उन लोगों ने जियो के खिलाफ धरना प्रदर्शन करा है। उसमें उनके बेसिकली क्या कहना है, आइए जानते हैं। तो जैसा कि दोस्तों बता दो, जियो कंपनी ने पूर्व में हम सभी केबल ऑपरेटरों के साथ अनुरोध करा था, रिक्वेस्ट किया था कि कंपनी केबल ऑपरेटरों के साथ मिलकर कार्य करेगी, लेकिन अब वो सीधे उपभोक्ताओं के यहाँ कनेक्शन करने जा रही है। मध्य प्रदेश एसोसिएशन के अध्यक्ष बालकृष्ण तिवारी ने बताया कि ऐसा करना नियम विरुद्ध एवं धोखाधड़ी करने के श्रेणी में आता है। वहीं भोपाल एसोसिएशन के अध्यक्ष आरपी शुक्ला ने कहा कि इससे हम सभी केबल ऑपरेटरों का व्यवसाय समाप्त हो जाएगा, जिससे हम लोगों के परिवार भुखमरी की कगार पे आ जाएंगे। इस समय वैसे भी कोरोना महामारी के चलते बेरोजगारी वैसे ही चरम सीमा पर है और हमारा व्यवसाय यदि हमसे छीन गया तो हम सब बेरोजगार हो जाएंगे। आज हम लगभग 28 वर्षों से इस व्यवसाय में हैं। इन सब मांगों को लेकर हमारी एसोसिएशन के सदस्यों एवं पदाधिकारियों द्वारा भोपाल के नीलम पार्क पर एक दिवसीय सांकेतिक धरना दिया गया है। अतः हम सभी का शासन और प्रशासन से निवेदन है कि हमारी इन मांगों का शीघ्र निराकरण किया जाए। एसोसिएशन ने इस धरना प्रदर्शन में एसोसिएशन के सभी प्राधिकरण जैसे कि अध्यक्ष आरपी शुक्ला, उपाध्यक्ष कैलाश पाल, मध्य प्रदेश अध्यक्ष बालकृष्ण तिवारी आदि बड़ी संख्या में उपस्थित रहे हैं। बेसिकली ये न्यूज़ कटिंग के बाद दोस्तों हुआ क्या है कि जियो जब से डेन हैथवे DTPL को ख़रीदा है, तब से डेन नेटवर्क ने पहले तो स्टार्टिंग में इनने कहा था कि जितने भी सर्विसेज हैं ऑपरेटरों द्वारा ही किया जाएगा, लेकिन बाद में इनने जियो गीगा फाइबर लॉन्च करा। जियो गीगा फाइबर को क्या करते हैं कि डायरेक्टली ट्रिपल प्ले जैसा कस्टमर के घर में जाते हैं, एक कोइन्यू लगाते हैं और वहाँ पे आपको टेलीफोन, उसके साथ साथ आपको इंटरनेट और उसके साथ साथ चैनल देखने का प्रोविज़न आपको दे देते हैं। तो पहले अगर ऑपरेटर की पहले बात हुई थी कि उस एरिया में जिसका जो एरिया है उस एरिया में ऑपरेटर द्वारा ही सर्विस दिया जाएगा, लेकिन अभी के टाइम पर जियो ने सभी को पहले मिलाया, पहले बोला फाइबर बिछा लिया। फाइबर करने के बाद अब जियो नेटवर्क LCO के साथ कर रही है धोखाधड़ी। वो अपने खुद के ही नेटवर्क्स बनाकर लोगों को सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करा रही है, जिस वजह से कहीं ना कहीं LCO लोगों को काफ़ी से परेशानी हो रही है। LCO को ऐसा लग रहा है कि उनका व्यवसाय ख़त्म हो सकता है। तो ये अपडेट आया था दोस्तों, जियो के खिलाफ धरना प्रदर्शन पहले MP में शुरू कर दिया गया है। अब देखना ये होगा कि आने वाले टाइम पे इसका क्या रिजल्ट आता है। होप सो गाइज, आपको वीडियो अच्छी लगी हो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग।